गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रकाश सिंह, टीजीटी साइंस फ्रॉम मिशन एकेडमी बटन रोहिणी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आज का टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, यू नो एटॉमिक मास? आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट द एटॉमिक मास। इतनी सी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले डाल्टन ने इसको कंफर्म किया था। डाल्टन ने इसके बारे में बताया था, इसके नाम से साइंटिस्ट का डाल्टन है भी। वैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसी के नाम से, तो सबसे पहले किसने कहा इसके बारे में, एटम मास के बारे में कंफर्म किया? डाल्टन ने। तो द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑफ एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। इट मींस ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। इट मींस कोई भी एलिमेंट से उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास अपना होता है, और वो एलिमेंट अपने मतलब इटसेल्फ कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। जितने भी एलिमेंट हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका एटॉमिक मास होता है। इट मींस ये कह सकते हैं एटॉमिक मास करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होता है, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। कौन? करेक्टरिस्टिक्स किसी भी एलिमेंट के, एटॉमिक मास। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन so hard, well that scientists were prompt to measure the atomic mass of an atom, since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task. Relative atomic masses were determined using the law of chemical combination and compound form. इट मीन्स जो रिलेटिव एटॉमिक मास था वो किसकी हेल्प से शो किया गया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की हेल्प से। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे अब तक हमने क्या कंफर्म किया इसके लिए कि जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का वो किससे रिलेटिव, उसके करेक्टरिस्टिक एलिमेंट के करेक्टरिस्टिक से रिलेटिव होता है, और एटॉमिक मास किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया गया? लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से, राइट। ऐसे की एग्जांपल लिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसका सिंबल है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, यह है कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। इसका सिंबल क्या है? CO, यहां यहां देख रहे हैं CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाय द कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन के थ्रू हुआ है। कार्बन का सिंबल क्या है? CO, ऑक्सीजन क्या हुआ है? इन दोनों से मिलकर बना कार्बन मोनोऑक्साइड। इट वाज एब्जॉर्ब एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑक्सीजन। यानी इसे हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 ग्राम तो कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन, राइट। इतनी दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है? 3 ग्राम कार्बन इसमें है और 4 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है, तो मिलकर दोनों को बनाया, मिलकर बनाया CO। इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ये भी हम कह सकते हैं ये 4/3 की टू कार्बन का कॉम्बिनेशन हुआ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, तो अर्लियर प्राचीन के समय से, प्राचीन काल के हिसाब से देखेंगे तो इसकी यूनिट जो थी वो क्या क्या थी? AMU, AMU, एटॉमिक मास की यूनिट क्या थी? AMU थी।
unit of atomic mass is AMU. But according to IUPAC, present me IUPAC के according क्या रिकॉल किया गया है इसको is now written as U. अब इसे U में लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है. It means earlier time में atomic mass की unit क्या है, ये थी AMU. But present time में help of the IUPAC, IUPAC की help से इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली U से रिप्रेजेंट किया जाता है. As equal to mass of one carbon atom. अब ये equal किसके होता है, मास ऑफ वन कार्बन एटम के इक्वल होता है. और जो यूनिट आपको यूनिट दिया गया है आपके मास को किसके इक्वल होता है, इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम. ये इक्वल किसके होता है, मास ऑफ वन कार्बन, वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम के इक्वल. इट मींस एटॉमिक मास की यूनिट है ये, किसके इक्वल होती है, वन कार्बन ऑफ एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम. देन वी वुड एज होल नंबर और नियर टू अ होल नंबर नंबर्स एज पॉसिबल. इट मींस इसका जो एटॉमिक मास होता है इसके इक्वल होता है होल नंबर के फॉर्म में, होता है होल नंबर के फॉर्म में होता है, जैसा कि पास में हो सकता है. व्हाइल searching for a various atomic mass unit, scientist initially took 1 upon 16 of the mass of the atom of naturally occurring oxygen as the unit. 1 upon 16, listen carefully, 1 upon 16 of the mass of the atom naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to the reasons. कौन से दो मेन रीजन थे, ऑक्सीजन यूनिट था. फर्स्ट पॉइंट था इसका, ध्यान से सुनना है, समझना है. ऑक्सीजन रीच विद द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड. इतनी सी हम कह सकते हैं ऑक्सीजन को क्यों लिया गया इसके लिए. एक्चुअली ऑक्सीजन जो है ऐसा एलिमेंट है जो मोस्टली अदर एलिमेंट से रिएक्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट से रिएक्ट करता है. कौन, ऑक्सीजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में फुली है तो मैक्सिमम एलिमेंट से रिएक्ट करता है. ऑक्सीजन रिएक्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड. इट मींस कहने का मतलब ये है, पहला पॉइंट ये था कि ऑक्सीजन को इसलिए लिया गया कि ऑक्सीजन जो है इसका सिंबल हुआ है कि मोस्टली एलिमेंट से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कंपाउंड का फॉर्म करता है, न्यू कंपाउंड. ये CO है, CO2 है, Ne2SO4 है, NO है, बहुत सारे मोस्टली कंपाउंड आप देख सकते हैं ऑक्सीजन आपको प्रेजेंट मिलेंगे. सेकेंड पॉइंट क्या था, द एटॉमिक मास यूनिट गेव मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज बॉडी मास. द एटॉमिक मास यूनिट गेव मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर्स. इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट. अब 1961 में क्या हुआ, 1 12 इसका मींस ये था, वन वन एटॉमिक मास इज मास ऑफ
one atomic mass इसके इक्वल होगा इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इसीलिए इसे कार्बन प्लस भी कहा जाता है इट मींस वन एटम मास इज इक्वल टू स्केल के बराबर है जैसे आप इक्वेशन कि 1 मीटर इसका तो 100 सेंटीमीटर वो भी तो यूनिट है इसीलिए ऐसे 1 एटॉमिक मास इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन या फिर कार्बन पर भी इस तरह से द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फॉर्मड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम कार्बन एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझ सकते हैं इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम अगर कोई भी फल विक्रेता फल बेच रहा है फ्रूट सेलर है अगर उसके पास कोई भी स्टैंडर्ड वेट नहीं है तो किस तरह से बेचेगा ही टेक्स अ वाटर मेलन एंड सेज अगर उसके पास में मान लीजिए एक तरबूजा है वाटर मेलन है तरबूज है अगर उसके पास बड़ा सा तरबूज है वाटर मेलन है राइट क्या है वाटर मेलन अब इसे सेल करना है तो कैसे रहेगी क्या कहेगा ये एंड से दिस हैज मास इक्वल टू 12 यूनिट्स इट मींस ये कह सकता है कि बड़ा तरबूज है इसका मास 12 यूनिट्स के बराबर है अब वो 12 यूनिट्स क्या हो सकती है 12 वाटरमेलन यूनिट्स के बराबर है इट मींस 12 फ्रूट्स के मास के बराबर है अगर वाटरमेलन एक बड़ा तरबूज बेच रहा है क्या कहेगा अगर कोई इसके पास यूनिट नहीं है ब्रिजेंट में आप देखें कि कोई भी फल वगैरह बिकता है तो डजन के हिसाब से या फिर किलोग्राम के हिसाब से बेचता है इतने रुपए के लिए फ्रूट दिया है बट प्राचीन काल में रिसेंट टाइम में किस तरह से फ्रूट सेलर कोई अगर फ्रूट बेचेगा है तो उसके पास कोई यूनिट नहीं है तब वो कह सकता है कि वाटर मैन को 12 यूनिट्स के ऊपर है इट मींस इसका मास ऐसे 12 पीसेस वाटर मैन को जो हम करेंगे उनके इक्वल है या तो मास के इक्वल है 12 वाटरमेलन यूनिट्स फॉर और 12 फ्रूट मास ही मेक द 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही सेलिंग रिलेटिव टू मास ऑफ 1 पीसेस ऑफ द वाटरमेलन इट मींस अगर वो इस वाटरमेलन के बड़े वाटरमेलन के अगर 12 पीसेस करेगा राइट तो ईच पीसेस को कंपेयर करेगा अपने से वैसे वन अपॉन ट्वेल्व दे सकता है एक पीस इस बार इस बड़े वाटर प्लांट के वैसे ट्वेल्व पीसेस करेंगे ट्वेल्व पच्चीस को निकालता वन अपॉन अगर कंपेयर करेंगे पूरे वाटर प्लांट से वन पीस को अगर कंपेयर करेंगे पूरे वाटर प्लांट के पीसेस से तो पूरे वाटर प्लांट में कितने पीसेस हैं ट्वेल्व अब वन पीस को कंपेयर करना है तो वन अपॉन ट्वेल्व तो लेंगे Now you say this by the relative to mass unit. As in, similarly, the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of atom as compared to 1/12 the mass of one carbon atom. It means, इसी तरह से जैसे हमने फ्रूट सेलर का एग्जांपल लिया है कि वाटर मेलन ले रहा है परचेस कर रहा है ये है इसके पास में तो 12 एटम टू पीस के बराबर है इस वाटर मेलन का मास तो अगर हम 1 टू पीस से कंपेयर करेंगे तो वाटर मेलन 12 लिखेंगे ऐसे इसके क्या आया 1 एटम 1 एटॉमिक मास इक्वल टू किसके इक्वल होगा वाटर मेलन 12 का मास ऑफ वाटर एटम कार्बन के इक्वल होगा इसमें ऐसे हमने कार्बन से कंपेयर कर लिया अब आइए देखते हैं इसमें एक गिवन गिवन आपके लिए लुक हियर कुछ एलिमेंट्स भी मिले यहां पर और उनके एटॉमिक मास है लाइक दिस हाइड्रोजन और सिंपल लुक हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास 1 है कार्बन का 12 है नाइट्रोजन का
14 है, ऑक्सीजन का 16 है, नेक्स्ट वन सोडियम का सिंगल एनियम का है 23 है, मैग्नीशियम का है Mg का 24 है, सल्फर का एसिड ग्रेड का 32 है, नेक्स्ट क्लोरीन सीएल 35.5, ऐसी कैल्शियम का है Ca 14। ये कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास आप लिए गए हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है और क्लोरीन का 35.5 है और कैल्शियम का 14 है। ये थे आपके एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू एटम्स एग्जिस्ट, हाउ टू एटम्स एग्जिस्ट। सेकंड टॉपिक इज लाइक फर्स्ट टॉपिक मान लीजिए एटम का मास था, सेकंड टाइम हाउ डू एटम्स फर्स्ट टॉपिक को आपने क्या नाम दिया एटॉमिक मास के बारे में, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास दिया गया था, एक रूलिंग के अकॉर्डिंग किससे कंपेयर किया गया, कार्बन 12 से, राइट। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास दिए हुए हैं सामने बोर्ड पर, आप देख सकते हैं, और एक एग्जांपल लिया गया था फ्रूट सेलर का, बॉटम प्लांट का, इसके वाटर प्लांट में 12 पीसेस करे थे, 32 से कंपेयर करेंगे तो हमारा पॉइंट 12 लिखेंगे, इसी तरह से वाटर 12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन था एटॉमिक मास के लिए। एटम्स नेक्स्ट पॉइंट हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, बिल्कुल सही है, एटम से मिलकर ही मॉलिक्यूल बनते हैं या फिर आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इट मींस हम कह सकते हैं वन मॉलिक्यूल में मोर देन टू या मोर देन टू एटम्स हो सकते हैं किसी भी एलिमेंट के। Atoms form molecules and ions. These molecules or ions aggregate in large number to form a matter that we can see, feel or touch. It means इसका मतलब ये है कि atoms से मिलकर molecules और ions बनते हैं, okay? More atom. से कह सकते हैं मॉलिक्यूल है सा टू और मोर देन टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स में दो या दो से अधिक एटम हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते नहीं होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे, वो एलिमेंट या मैटर कोई भी जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं चौक है, जैसे कि हम देख रहे हैं चौक है, इट मींस इस चौक का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या एटम है, एटम से मिलकर के बनाए मॉलिक्यूल्स बनाए, जो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मैटर एक थिंग्स बना दी, इसे चौक नाम दिया गया है। तो ये चौक को हम फील भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कहेंगे आप वैसे तो अभी कन्फर्म कराया था मॉलिक्यूल क्या है, अ मॉलिक्यूल इज इन
number of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive force. Again, listen to me. Water molecule, molecules का मतलब है, molecule वो है. It means molecule made up of two or more than atoms. Molecule का formation दो या उससे अधिक atoms से निकल होता है. तो किसी प्रकार का कोई भी element हो, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा वो किससे बना होगा? मोर देन टू एटम्स, टू या मोर देन टू एटम्स. तो आ मॉलिक्यूल इज जनरली अ ग्रुप ऑफ, है क्या मॉलिक्यूल? एक ग्रुप है किसका? एटम्स का. तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, अ मॉलिक्यूल इज जनरली अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स. लिसन केयरफुली, आप लिख भी सकते हैं इसकी डेफिनेशन. अ मॉलिक्यूल इज इन जनरली अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स that are chemically bounded together. It means कोई भी molecule, उसमें जो दो aerosolic atom होते हैं, वो chemically bounded होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से, tightly held together by attractive force. It means हम ये कह सकते हैं कोई भी चीज, जैसे चौक है, wood है, iron है, कोई भी metal ले लीजिए, but उसकी जो hardness हो, वो उसके molecule या atoms के पास पास होने में या फिर अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करती है. जैसी थिंग्स, अगर कोई भी थिंग्स है, जैसे चौक है, ये आसानी से ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, इट मींस चौक के जो एटम्स होंगे या जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कंपेयर टू आयरन से कम होगा. आयरन की आप कोई छड़ी वगैरह कुछ भी लेते हो, ब्रेक डाउन नहीं होगी. मान ली आयरन की होती है, ब्रेक डाउन नहीं होती. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये की है, देखिए हम इसे में चौक को तोड़ रहा हूँ तो आसानी से ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन की नहीं टूट रही, क्योंकि अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों की मैटर है और दोनों की किससे बनी है? एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है. लेकिन मॉलिक्यूल्स ये मेटल है, इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम और एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो मोर है. इट मीन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स के बीच में एटम एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू चौक के, इसलिए ये हार्ड है, ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, लेकिन चौक में कम है. क्या अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में? एटम एटम के बीच में या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए आसानी से ब्रेक डाउन होगा, राइट? तो क्या अ मॉलिक्यूल इज इन जनरली अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय दैट अट्रैक्टिव फोर्स. अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन independent exchange to show all the property of the substance. It means किसी भी element का जो molecule होता है या कोई भी element होता है या कोई molecule होता है, जो molecules की खुद की property होती है वही उस matter की property होगी. It means molecules से related उस atom की, उस element की property होती है, वही property को show करता है कोई भी element से. Atoms of the same element or the different element can join together to form molecules. It means ये भी हम कह सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि different molecule, different element के atoms नहीं join हो सकती है, molecule join नहीं हो सकती है. जैसे gold है, gold है, gold के अंदर आप iron मिला सकते हैं, silver मिला सकते हैं, तो iron इससे gold का सिंपल ये ही होता है और इसका ये ही होता है. अगर आप इसको तो मिक्स करेंगे Au plus Ag, तो Au के जो मॉलिक्यूल्स और एटम का साइज ना होगा, Ag और Ag मॉलिक्यूल्स और एटम का साइज ना होगा, लेकिन दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं और नए न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन या न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन, राइट? एलिमेंट नहीं कहेंगे, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलते हैं आपस में तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. तो Au और Ag से मिलकर के न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे, डिपेंड होंगे. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम.